अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम बना रहे हैं मटन मसाला बिरयानी। जी हाँ जी, सिंपल सी रेसिपी है और आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और सबसे पहले हमने जो है वो पैन के अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और उसके अंदर जो है वो 2-3 मीडियम साइज़ अनियन, क्योंकि हमने इसके अंदर से अनियन निकाल लेने, आप 3 मीडियम साइज़ अनियन जो है वो आप लेकर अब हमने उसे फ्राई करना है। और हमने इसे फ्राई इस तरह करना है कि हाफ इसके अंदर से हम लोग निकाल देंगे एंड में यूज़ करने के लिए, और बाकी से जो है वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। जितनी देर में अनियन फ्राई हो रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियोज़ चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ जो हैं वो आपके पास जो हैं वो आ सकें। आजकल आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बंद किया हुआ है, सो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी जो मेहनत जो होती है वो ज़ाया चली जाती है। सो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ 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 और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके पास आ सके। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग घर के मसालों के साथ साथ जो है वो नेशनल का जो सिंपल वाला बिरयानी मसाला है, सिंधी नहीं लेना आपने, बम्बई नहीं लेना है, वो मसाले का जो पैकेट है वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और इसके स्टार्ट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने जो था जो मटन था उसको मैंने सॉल्ट डाल के जो था वो एक रात पहले ही जो था वो कुक करके रख लिया था। मीन्स आपने उसे हाफ कुक जो है वो कर लेना है, ताकि बाकी की जो कुकिंग जो होगी वो फिर बाकी का जो प्रोसेस होगा वो हम लोग बाद के अंदर उसके अंदर करेंगे। अच्छा जी, अब आधा प्याज मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, और उसके अंदर जो है वो मैंने पानी डाला है, और उसके बाद 2 टेबलस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक जो है वो पेस्ट डाला है। ठीक है जी, अब ये वो मीट है जो मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है, मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया है ताकि आप लोग जो हैं वो कहें कि ये मीट का कलर क्या है। तो जो मीट जो है वो उसे हम लोगों ने जो है वो एक रात पहले जो था सॉल्ट डाल के हमने उसे जो है वो बॉयल करके रख लिया, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग इस लेवल की हो रही है कि मीट बाज दफ़ा जो है वो प्रॉपरली कुक नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसके अंदर से नेशनल का बिरयानी का मसाला मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने बाज लोगों को अक्सर का देखा है, लोग कहते हैं हमारी बिरयानी के अंदर ना मसाले की गुठलियाँ बन जाती हैं, मसाला इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए एक तो जब मैं तहें लगाऊंगी बिरयानी की उस टाइम मैं आपको एक टिप दूंगी, इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर आप बिरयानी के अंदर घर के मसाले डाल रहे हैं या आप बाज़ार का कोई भी मसाला डाल रहे हैं, आपने उसे पानी में मिक्स करके उसके बाद आपने जो है वो उसे कुक करने के लिए जो है वो आपकी अपनी हंडिया के अंदर जो है वो आपने डालना है। उससे क्या होता है कि एक तो मसाला जलता नहीं है, नीचे लगता नहीं है मसाला, और उसकी गुठली नहीं बनती है मसाले की। ठीक है जी, उसके बाद अब आपने इसे दम पे रख कर जो है वो पकाना है मसाले को। और इसका जो जो मीट की जो स्टॉक थी, यानी कि इसकी जो यखनी थी, वो आपने वेस्ट नहीं करनी है। जब आपको हांडी में जिस भूनते हुए जिस वक्त पानी की ज़रूरत होगी या किसी भी सिचुएशन में आपको पानी की ज़रूरत होगी, उस के ऊपर आपने वही स्टॉक जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब हमने गोश्त को गलाया था तो उस टाइम हमने इसके अंदर नमक डाला था, तो आपने नमक बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक हमने चावलों को बॉईल करते हुए भी हमने नमक डालना है, हम लोगों ने जो है वो मसाले के अंदर जो हमने नेशनल का मसाला इस्तेमाल किया उसके अंदर भी नमक है, और रात गोश्त गलाते हुए भी हमने जो है वो नमक डाला था। तो इसलिए जब आपने इसकी कुकिंग करनी है तो आपने कुकिंग के टाइम के ऊपर जो है वो सॉल्ट का बहुत ज़्यादा जो है वो आपने ध्यान रखना है कि इसमें नमक की क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने इस आपको भी स्टार्ट के अंदर ही बताया था कि मैंने मीट जो है वो एक रात पहले ही जो है वो गला लिया था, तो जब मैंने इसका मसाला भूनूंगी तो मैं ये सारा मीट जो है वो इसके अंदर से निकाल दूंगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के जो अनियन हैं वो डालें, सॉरी अनियन कह रही हूँ, टोमेटो मैंने इसके अंदर डाले हैं मैश करके। अनियन मेरे पास पहले से फ्रीज थे, फ्रेश नहीं थे, इसलिए मैंने उनका छिलका जो है वो पहले ही रिमूव कर लिया था। अगर आपने फ्रेश अनियंस डाल रहे हैं तो आप इसको कट करके तो फ्रेश अनियन डाल दें इसके अंदर, और उसके बाद जो है वो आप उसको उसका छिलका जो है वो 1 से 2 मिनट के अंदर गल जाएगा, तो वो छिलका उतार के जो है वो आप मसाले को भून लें। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन के अंदर हम ये सारा मीट इसके अंदर से निकाल देंगे। इसके अंदर 3 जो है वो हमने साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, मीट हमने इसके अंदर से सारे का सारा निकाल लिया हुआ है, क्योंकि उससे वो फिर जो गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था हमारा, हमें उसे मजीद गलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तो आपका गोश्त पहले से नहीं गला हुआ है तो फिर आप जो है वो इस सिचुएशन में
में गोश्त बेशक डला रहने दे, लेकिन अगर आप गोश्त पहले गला लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना बाज़ दफ़ा गोश्त प्रॉपरली कुक नहीं हो पाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ये तमाम का तमाम जो टमाटर है उसे अच्छे तरीके से गला लेना है और मसाले को अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों ने भून लेना है कि ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, और उसके बाद जो है वो आगे जो है वो फर्दर हम इसकी प्रोसेसिंग जो है वो बिरयानी की शुरू करेंगे। उतनी देर में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट, चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से मुल्कों से, कौन कौन से शहरों से आप जो हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे अपने चैनल के लिए सबसे अच्छा रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान के बाद जो है वो इंडिया से आ रहा है। सो वेलकम यू ऑल, जो लोग भी इंडिया से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बांग्लादेश से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, आप सब लोगों का शुक्रिया। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वीडियो देखते हुए बताइए कि आपका ताल्लुक किस मुल्क से है, किस जगह से है, किस इलाके से है। ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं कि हंडिया जो है, जो मसाला हम लोग भून रहे हैं वो अपनी जो है वो हंडिया ऑयल जो है वो साइडों के ऊपर आ गया हुआ है और मसाला जो है वो हंडिया जो है वो छोड़ने लग गया है। ठीक है, ये मसाले के भुने हुए की निशानी होती है, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर जो है वो इसको यहीं ओके नहीं करेंगे। इसके अंदर अभी हम लोग पानी डालकर, जो मैंने आपको मीट की स्टॉक बताई थी वो डालकर, हम इसे एक दफ़ा जो है वो दोबारा जो है वो हम लोग इसको भुनेंगे, ताकि ये देखिए ये इसके अंदर मैंने हाफ कप के करीब जो मीट की स्टॉक थी वो डाली है। अब इसको एक दफ़ा हम लोग जो है वो दोबारा से हम लोग इसको भूनेंगे, ताकि मसाले का जो कच्चापन है, जो बिरयानी मसाला आपने डाला है उसका जो कच्चापन है, टमाटरों का कच्चापन है, वो इसके अंदर से कम्प्लीटली तौर के ऊपर जो है वो रिमूव हो जाए। इसके अंदर बस अब एक इंग्रेडिएंट रह गया है, वो है दही। वो फिर अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपने जो है वो किस स्टेज के ऊपर डालनी है। अगर तो आप बिरयानी जो है वो फर्स्ट टाइम क्यों बना रहे हैं, तो फिर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप जो हैं वो बनस्पति की बिरयानी बनाने की बजाय सेला चावलों की बिरयानी बनाएं, क्योंकि सेला चावल जो है वो कोई भी बंदा जो है वो बहुत आसानी से जो है वो हैंडल कर लेता है। बनस्पति की जो बिरयानी है उसको हैंडल करना ज़रा थोड़ा सा, जो लोग फर्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हैं उनको ज़रा हैंडल करना जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई बिरयानी एक्सपर्ट मौजूद है घर में, कोई बड़ा है, तो फिर तो आपके लिए उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि बनस्पति चावल की जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कनी ज़्यादा रखते हैं। सेला चावल जो है उसको तो बेशक आप पूरा कुक कर लें, उसके बाद भी उसको आप दम लगाएं तो सेला चावल जो है वो टूटता नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए दोबारा हम उसी स्टेज के ऊपर आ गए जहाँ पे हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टॉक ऐड की थी। अब इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी स्टॉक इसके अंदर और ऐड की, और फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग जो मीट है वो अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर जो है वो योगर्ट डालेंगे, दही डालेंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसको जो है वो पकाएंगे। ये देखिए सारे का सारा जो मीट था जो मैंने निकाला था वो मैंने दोबारा इसके अंदर जो है वो डाल दिया है, और अब हम लोग जो है वो क्योंकि मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका हुआ है। अच्छा जी, मैंने स्टार्ट के अंदर आप लोगों से एक बात की थी कि हम लोग जो हैं वो जो बिरयानी है उसके अंदर जो मसाले की गुठलियाँ बन जाती है, एक तो मैंने आपको बता दिया मसाला है। अच्छा जी, अभी आपके सामने जो वीडियो चल रही है इस टाइम में जी चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल करते हुए पानी के अंदर हमने जो है वो साबुत गरम मसाले जो हैं वो डाले हैं, लौंग डाले हैं, काली इलायची डाली, काली मिर्च डाली है, बड़ी इलायची डाली है इसके अंदर हम लोगों ने, और इसके अंदर हमने सिनेमन स्टिक्स डाली हैं। ठीक है जी, पानी बॉयल होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो तीन कनी रखकर जो है वो चावलों को बॉयल करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट के अंदर मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए जो है वो आप जो हैं वो बच सकते हैं कि आप लोग चावल जो हैं, जो बिरयानी आपने बनानी है उसके चावल जो हैं वो टूटे ना, तो इसका तरीका ये, या मसाले की जो है वो गुठली ना बने, तो इसका तरीका ये होना चाहिए कि जिस टाइम आपने बिरयानी को दम लगाना है, आपने ये नहीं करना कि आपने बिरयानी अगर दोपहर में बनानी है तो आप चावल एक रात पहले बॉईल करके रख दें। ठीक है, क्योंकि चावल जो बॉईल हुआ हुआ चावल होता है उसे दोबारा गर्म आप ओवन में ही कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसके अंदर के लिए यह है कि जब आप बिरयानी को दम लगाएं तो आपका चावल भी गर्म होना चाहिए और आपका सालन भी गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है जी चावल की तह लगाई है, उसके ऊपर ग्रेवी है, फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने दोबारा चावलों की तह लगाई है, और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने प्याज जो है वो डाला इसके अंदर, और उसके बाद जो है वो हम लोग इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर तो आपकी देचकी जो है वो हल्के पेंदे की है, मींस आप अगर नॉनस्टिक के अंदर दम लगा रहे हैं जैसे मैंने लगाया है, तो आपने अपनी देचकी के नीचे तवा लाजमी रखना है। ठीक है, तवे को हल्का सा गर्म करके उसके ऊपर आपने जो है वो इस तरीके से
आपने तवे के ऊपर ही रखकर आपने इसकी लेयरिंग करनी है। वो क्लिप पहले आ गया था, सॉरी। सबसे पहले आपने ये देखिए चावल किस कदर गर्म है, ठीक है। अगर तो आपकी दोनों चीज़ें गर्म होंगी तो आपके मसाले की, आपकी बिरयानी की ज़रा सी भी गुठली जो है वो नहीं बनेगी, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने चावल की लेयर लगाई है, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर बिरयानी की लेयर लगाई है, उस सब मसाले की लेयरिंग है, उसके बाद फिर चावल है। और आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें जो है वो किस लेवल के ऊपर गर्म है कि उनको हाथ नहीं लग रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो जर्दा रंग डाला था, इसके ऊपर हम लोगों ने प्याज डाला, उसके बाद हमने इसे दम लगा दिया, ठीक है जी। ज़बरदस्त किस्म के बाबी, देखिए किसी किस्म की मसाले की गुठली जो है वो नहीं बन रही है, ठीक है जी। और इसके पीछे रीज़न क्या था कि हमने दोनों चीज़ें जो थी वो इसके अंदर जो थी वो गरम ऐड की थी, जिसकी वजह से मसाले की गुठली नहीं बनी है। चलें जी, बिरयानी को सर्व करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अब वीडियोस का शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब वीक में आपके पास दो वीडियोस आया करेंगी, या तो दोनों स्वीट हुआ करेंगी या दोनों जो है वो नमकीन हुआ करेंगी। लेकिन इंशाल्लाह आगे मुहर्रम शुरू हो रहा है, तो मुहर्रम की न्याज के हवाले से जो जो चीज़ें न्याज के अंदर आप बना सकते हैं, वो तमाम की तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो हैं वो शेयर होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गर्मी बिरयानी को एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जो है वो चैनल से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और प्लीज 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 एक दफा दोबारा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आजकल आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब लोगों से हम्बल 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 रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड अ सब्सक्राइबर, और ये हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखते हैं, तो हमारी मेहनत जो होती है वो ज़ाया चली जाती है। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई सजेशंस है, कोई ओपिनियन है, तो वो भी ज़रूर जो है वो चैनल के ऊपर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।